हेलो दोस्तों, मैं साहू, साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस स्टॉक में, बजाज फाइनेंस स्टॉक में कैसा रहेगा मोमेंट और आने वाला समय में क्या रहेगा उसका स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो हम जो देख पा रहे हैं इस बजाज फाइनेंस शेयर में, बजाज फाइनेंस जो शेयर चार्ट अभी जो क्लोजिंग प्राइस दे रहा है 6977 का क्लोजिंग दिया है, यानी 7000 के आसपास क्लोजिंग दिया है। लगातार मार्केट बेयरिश की वजह से ये लगातार यहाँ से लेके डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद अभी थोड़ा सा अप ट्रेंड में नहीं हुआ है। हमको कब अप ट्रेंड लगेगा? जब ये 7500 जब क्रॉस करेगा ये अप ट्रेंड माना जाएगा। तो इस प्राइस में हम अप ट्रेंड का पोजीशन हम ले सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस में हम देख पा रहे हैं जो सपोर्ट ले रहा है 6000 के आसपास भी बहुत बढ़िया सपोर्ट है। अगर ये और गिरता है तो 6000 इज़ द लास्ट सपोर्ट, यानी यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे। तो हमको देखना चाहिए अगर इसमें अगर ट्रेंड में लॉन्ग टर्म बेसिक में ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप यहाँ से भी होल्डिंग करके रख सकते हैं। क्योंकि इसका जो पीछे का जो चार्ट हम देख पा रहे हैं कम से कम 2500 टू लेके अभी 6000-8000 हाई बनाए, इस सेम बराबर चार्ट लेके जा रहा है। अभी नेक्स्ट जो टारगेट है उसका 10000 है, जो बहुत बढ़िया टारगेट है। अभी कैसे माना जाएगा? जब 10000 तक पहुंचने के लिए हमको कम से कम 7500 ब्रेकआउट देना पड़ेगा। 7500 ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से बहुत बढ़िया मूवमेंट देने को मिलेगा। तो ये रहा स्ट्रेटेजी बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल भी मजबूत है। चार्ट एनालिसिस में हमको ये पता लगता है आने वाला समय में ये कैसा रहेगा मूवमेंट। सबसे बहुत बढ़िया मूवमेंट देता है चार्ट, चार्ट से हमको सब कुछ पता लगता है। ठीक है दोस्तों, बजाज फाइनेंस कैसा रहा स्टॉक इस वीडियो में कमेंट लाइक कमेंट शेयर करके हम बताएँ। थैंक यू।